दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S10 कैसा होने वाला है। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S10 के बारे में अगर जानना है तो ये वीडियो जरूर देखिए, और देखने के बाद आपको सब कुछ पहले पता चलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो सैमसंग गैलेक्सी S10 है, इस साल 10th एनिवर्सरी होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी का, और सैमसंग गैलेक्सी का S10 भी आने वाला है। तो S10 जो S10 है उसका 3-4 वर्जन आ सकता है, B10, B11 एंड B12। जो B10 होगा वो एक मिड रेंज फ़ोन होगा, मिड रेंज क्या थोड़ा लो होगा, और जो B11 होगा वो S9 होगा, और S9 के जैसा होगा, और जो B12 है वो S9 प्लस के जैसा होगा, यानी S10 प्लस होगा वो। और एक सैमसंग का जो एक स्पेशल वर्जन भी आ सकता है S9 कुछ और नाम से, S10 कुछ और नाम से आ सकता है सैमसंग का स्पेशल वर्जन, और 5G कनेक्टिविटी होगा, और उस फ़ोन में शायद 6 कैमरा देखने को मिल सकता है। पीछे के साइड 4 कैमरा और सामने के साइड 2 कैमरा मिल सकता है, और वेरिएबल अपर्चर की टेक्नोलॉजी तो देखने को मिलेगा क्योंकि पहले मिल चुका है S9 और Note 9 में। वेरिएबल अपर्चर की टेक्नोलॉजी इस फ़ोन में भी मिल सकता है। और दोस्तों जो B10 होगा वो 5.8 इंचेस का स्क्रीन साइज होगा, और वो थोड़ा छोटा फ़ोन होगा, और शायद सिंगल कैमरा या शायद डुअल कैमरा भी हो सकता है। और जो B12 होगा 6.1 इंचेस का स्क्रीन साइज होगा, और वो S9 का सक्सेसर होगा S10। वो उसमें भी प्रोसेसर हालांकि सेम देखने को मिलेगा, जो सैमसंग का रिलीज़ हुआ है न्यू प्रोसेसर सैमसंग एक्जिनोस 9810A, एक न्यू प्रोसेसर है, 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है, तो 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल सकता है स्पेशल वर्जन में। और जो बाहरी वाला मॉडल होगा उसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिल सकता है, और जो इंडियन मॉडल होगा उसमें आपको एक्जिनोस 9810 देखने को मिल सकता है। और दोस्तों जो S10 Plus होगा उसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल सकता है बैक की साइड, और फ्रंट के साइड 1 कैमरा देखने को मिल सकता है, फ्रंट के 1 या 2 कैमरा देखने को मिल सकता है। वेरिएबल टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, और अंडर डिस्प्ले फिंगर प्रिंट सेंसर होगा, और अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स होगा, और एक 3D इमेज क्लिक करेगा आपके फिंगर से और अनलॉक करेगा, काफ़ी सिक्योर भी है और फास्ट भी बनाया जाएगा इस फ़ोन में। और दोस्तों ये जो स्पेशल वर्जन होगा 5G वाला, इसमें आपको ग्लास का नहीं सिरेमिक बैक का यूज़ किया जा सकता है, और ये सबसे एक्सपेंसिव फ़ोन होगा, और देखते हैं इसका प्राइस क्या होता है आने वाला टाइम में ही। और दोस्तों सैमसंग की जो S10 Plus जो होगा, और S10 का जो B10 के नाम से जो मॉडल है उसमें आपको पीछे की साइड आगे की साइड दोनों की साइड के डिज़ाइन तो वैसे ही ग्लास बैक का मिलेगा, और गोरिल्ला ग्लास 6 भी देखने को मिल सकता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होगा अगर होता है तो। और दोस्तों अगर रैम की बात किया जाए तो रैम दोस्तों शायद 6GB और 8GB, 6GB तो बेस्ट वेरियंट होगा, 8GB होगा, और स्पेशल वर्जन जो होगा उसमें 10GB तक आ सकता है, शायद 10GB शायद आ जाएगा सैमसंग की तरफ से, क्योंकि 10th एनिवर्सरी और S10 मिला के शायद कुछ कमाल कर देगा। और स्टोरेज तो मिलेगा ही 128GB, 256GB और 512GB वाला भी आएगा ही 512GB वाला भी आएगा। और दोस्तों अगर UI की बात करें तो सैमसंग एंड्रॉयड सब फोन एंड्रॉयड आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 5 पर चलेगा, एंड्रॉयड 9 पाई पर। और जो UI होगा इसका, तो सैमसंग का जो UI चलता आ रहा था उससे थोड़ी गालियाँ पड़ी है सैमसंग का, और एक स्पेशल UI रेडी कर दिया है सैमसंग ने, वो बोलता है सैमसंग 1 UI, ये काफ़ी बैटरी एफिशिएंट और काफ़ी कमाल का स्टॉक जैसा फील देगा, शायद आगे वाली कुछ साल बाद शायद सब फ़ोन स्टॉक एंड्रॉयड पे आ जाए ना, तो काफ़ी कमाल बात होगा। तो ऐसा तो फिलहाल नहीं होगा, देखते हैं आने वाले समय पर, अगर ऐसा हो जाए तो कमाल हो जाए। और दोस्तों फ्रंट डिज़ाइन की बात किया जाए तो नॉच तो डेफिनेटली नॉच नहीं होगा, क्योंकि सैमसंग खेलेगा एप्पल के साथ, एप्पल के जैसा नहीं करेगा, नॉच नहीं देगा सैमसंग। और तो चिन को भी शायद गायब कर दे इस बार, और चिन को गायब करके जो इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले तैयार किया है वही इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले के साथ जो डिस्प्ले के अंदर छेद होता है उसमें कैमरा दे दे, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगा। सॉरी दोस्तों, अगर प्रोसेसर जो इस फ़ोन का होगा उसमें मैं सैमसंग का जो प्रोसेसर है उसमें मैं बता दिया था एक्जिनोस 9810 नहीं होगा, एक्जिनोस 9820 होगा, 9020 होगा, और दोस्तों 9820 होगा, दोस्तों भूल हो जाती है तो माफ़ कर देना। और दोस्तों अगर लॉन्च डेट की बात करें तो 2019 MWC में शायद आ सकता है, और अगर ना आए तो फरवरी या मार्च के टाइम ही आ सकता है। तो लॉन्च जब भी हो लॉन्च तो पता चल जाएगा, और मैं तो बताऊंगा मैं किस लिए बैठा हुआ हूँ।
दोस्तों यही था लीक और रूमर्स, और दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतने ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करना। अगर मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करना, और अगर अगर वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर करो, सबको दिखाओ, शेयर जरूर करना वीडियो को, शेयर जरूर करना दोस्तों, और सब्सक्राइब तो करना ही, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तो गुड बाय।